सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हम पाठ 9 महात्मा गांधी के पत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पाठ के आधे भाग का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम उसके अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। पाठ 9 महात्मा गांधी के पत्र। बच्चों, पाठ को आगे पढ़ने से पहले हमने जो पूर्व कक्षा में पढ़ा है उसको एक बार दोहराएंगे। महापुरुषों के द्वारा लिखे गए पत्र अक्सर हमारे मन को छू लेते हैं। ये महज पत्र न होकर साहित्य बन जाते हैं और हमारी जीवन धारा और चिंतन धारा को प्रभावित करते हैं। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल से अपने साबरमती आश्रम के निवासियों को समय समय पर कई पत्र लिखे थे। ये दो पत्र उनमें से संग्रहित हैं। इनमें उन्होंने विचार करने को कुछ पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण बताया है। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने जाना कि विचार के बिना वाचन कार है। गांधी जी ने कहा है कि जो मनुष्य केवल पढ़ते हैं लेकिन विचार नहीं करते, वे मूर्ख कहलाते हैं। इसलिए हमें पढ़े हुए पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य विचार करता है उसे एक दूसरा लाभ होता है और वह आगे बढ़ता है। उसके पास विचारों की पुस्तक हमेशा मौजूद रहती है। गांधी जी ने कहा है कि मेरा सुझाव इतना है कि हम जो कुछ भी पढ़ें उस पर विचार अवश्य करें और उसे अपने आचरण में अवश्य उतारें। उदाहरण स्वरूप, हमने एक दोहे को पढ़ा तो उस पर हमें विचार करना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है, इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसे हम अपने आचरण में उतार सकें, इसके क्या लाभ हैं। इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। ऐसा करने वाले लोग अंत में आत्मानंद का अनुभव करते हैं और वे जो कुछ भी पढ़ते हैं वह सब लाभकारी सिद्ध होता है। बच्चों, यहाँ तक हमने पूर्व कक्षा में अध्ययन किया था। अब हम इसके अगले भाग का अध्ययन करते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। यहाँ भजन की पंक्ति दी गई है जिसका अर्थ है कि हे मुसाफिर अर्थात राही या राहगीर, तू उठ जा, सवेरा हो गया, अब रात कहाँ है कि तू सो रहा है। इस भजन का इतना ही अर्थ समझकर कोई यह मान ले कि उसने भजन का सारा रहस्य समझ लिया है तो कहा जाएगा कि उसने पढ़ा तो है लेकिन विचार नहीं किया है, क्योंकि वह केवल सवेरे उठकर ही अपने आप को कृतार्थ हुआ मान लेगा। लेकिन जो विचार करना चाहेगा वह तो अपने से पूछेगा कि मुसाफिर कौन है, सवेरा होने का क्या अर्थ है, सोने का क्या अर्थ है। इस तरह विचार करके वह प्रतिदिन एक ही लकीर में से अनेक अर्थ निकालेगा और समझ जाएगा कि यहाँ मुसाफिर का अर्थ है संसार के सारे प्राणी, जिसकी ईश्वर पर श्रद्धा है उसके लिए तो सदा सवेरा ही है। रात का अर्थ यहाँ अज्ञान भी हो सकता है और जो मनुष्य जरा भी असावधान या लापरवाह रहता है उस पर भजन की सोने की बात लागू होती है। जो झूठ बोलता है वह भी सोया हुआ है, उसे भी जागृत करने वाली यह लकीर है। इस प्रकार इस लकीर से व्यापक अर्थात बड़ा अर्थ निकाल कर जीवन में आश्वासन अर्थात भरोसा प्राप्त किया जा सकता है और चारों वेद कंठ कर लेने वाले तथा उनके अर्थ भी जानने वाले के लिए वे सब बोझ रूप अर्थात भार के समान बन सकते हैं। यह तो मैंने जो उदाहरण याद आ गया वही यहाँ रख दिया है। सब आश्रमवासी अपनी अपनी दिशा तय करके विचार करने लगें तो वे जीवन में से नए नए अर्थ खोज निकालेंगे और नित नया आनंद लूटेंगे। तो बच्चों, इसमें गांधी जी यही बताना चाह रहे हैं कि हमने जो पढ़ा है उस पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। जिस तरह हमने यहाँ पर भजन की एक पंक्ति को पढ़ा
उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। इसका अर्थ है, हे मुसाफिर तो उठ जा, सवेरा हो गया अब रात कहाँ है कि तू सो रहा है। बस इतना अर्थ जानकर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने इसका सारा रहस्य जान लिया है। तो इसके बारे में क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि उसने इसको पढ़ा तो है लेकिन इस पर विचार नहीं किया। परंतु जो मनुष्य विचार करना चाहेगा वह स्वयं से पूछेगा कि मुसाफिर कौन है, सवेरा होने का क्या अर्थ है, सोने का क्या अर्थ है। इस तरह से वह विचार करके प्रतिदिन एक पंक्ति में से अनेक अर्थ निकाल सकेगा। इसलिए हमने जितना भी पढ़ा है उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि विचार के बिना वाचन बेकार है। जो मनुष्य विचार करता है वह हमेशा लाभकारी सिद्ध होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी कक्षा कार्य की ओर चलते हैं। कक्षा कार्य में सबसे पहले आपको पाठ का नाम लिखना है। पाठ 9, महात्मा गांधी के पत्र। दिनांक लिखनी है 20/11/2020। कक्षा कार्य, लिखित प्रश्न 4, दूसरे पत्र में मुसाफिर और सवेरा के बारे में क्या कहा गया है? उत्तर, दूसरे पत्र में मुसाफिर संसार के सारे प्राणियों को कहा गया है। सवेरा के बारे में कहा गया है कि जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, रात केवल उनके लिए होती है जो अज्ञानी और असावधान है। प्रश्न 5, कौन किस प्रकार नित नया आनंद लूटेंगे? उत्तर, गांधी जी ने सभी आश्रम वासियों से कहा है कि यदि वे सब अपनी अपनी दिशा तय करके विचार करने लगे तो वह जीवन में से नए नए अर्थ खोज निकालेंगे और नित नया आनंद लूटेंगे। बच्चों, इसके बाद हम अपना गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य में हम मौखिक प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, हम शालाओं से क्या सीखते हैं? उत्तर, हम शालाओं से सीखते हैं कि विचार के बिना वाचन बेकार है। प्रश्न 2, गांधी जी ने विचार करना सीखने के लिए क्यों कहा है? उत्तर, गांधी जी ने विचार करना सीखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि जिन्हें विचार करने की आदत पड़ जाती है उनके पास विचारों की पुस्तक सदा मौजूद रहती है और वह उसे कभी भी पढ़ सकते हैं। प्रश्न 3, ये पत्र किन आश्रम वासियों के लिए लिखे गए? उत्तर, ये पत्र साबरमती आश्रम वासियों के लिए लिखे गए। प्रश्न 4, जो विचार करेगा वह उठ जाग मुसाफिर भजन के बाद स्वयं से क्या पूछेगा? उत्तर, वह स्वयं से पूछेगा कि मुसाफिर कौन है, सवेरा होने का क्या अर्थ है, सोने का क्या अर्थ है। प्रश्न 5, भजन की सोने की बात कैसे मनुष्यों पर लागू होती है? उत्तर, जो मनुष्य असावधान या लापरवाह रहता है उस पर सोने की बात लागू होती है। बच्चों, इसके बाद हम शब्द कौशल करेंगे। प्रश्न 1, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख, नयन, नेत्र। पुस्तक, किताब, ग्रंथ। मनुष्य, मानव, मनुज। मुसाफिर, राही, पथिक, बटोही या यात्री। प्रश्न 2, समानार्थी शब्दों के दो दो अलग अर्थ लिखिए। भजन, प्रभु भक्ति गीत। भाजन, बर्तन। शोक, मृत्यु पर खेद। शौक, चाव। केवल, मात्र, केबल, डिश का तार। भंवर, नदी का जाल। भंवरा, एक कीड़ा। बच्चों, इस तरह से आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।